मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से भरा टैंकर बिहार से पंजाब ले जा रहे थे। इन्हें संदिग्ध हालत में पकड़कर इनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त छापेमार कार्यवाही में मुरादाबाद अगवानपुर चौराहे इलाके से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये लोग एक टैंकर में 30,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भरकर बिहार से पंजाब ले जा रहे थे। एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर जब छापा मारा गया तो मौके पर टैंकर से अल्कोहल निकाला जा रहा था, जिसे ये लोग अन्य स्थानों पर अवैध रूप से बेचते थे, जिस सूचना पर ये कार्यवाही की गई है। एसपी सिटी अमित आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि अगवानपुर स्थित ढाबे पर ये 8 लोग अल्कोहल निकालते हुए पकड़े गए हैं। ये लोग इन्हें कहीं दूसरी जगह मिलावट के काम में लाने वाले थे। पुलिस ने इनके पास से लगभग 30,000 लीटर अल्कोहल, 2 बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। एसटीएफ के सहयोग से थाना सिविल लाइन ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिहार से चंडीगढ़ को जा रहे टैंकर जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल था, अगवानपुर के पास एक ढाबे पर रोककर जो ड्राइवर था उसकी मिलीभगत से ये लोग उसमें से ये ईएनए निकाल रहे थे, जिसे वे आगे मिलावट करके बेचते। इनको पुलिस ने मौके से पकड़ा है। इनके पास से जो 30,000 लीटर ईएनए के टैंकर में था वो जब्त किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, 2 बाइक और 5 जेरिकेन व अन्य उपकरणों को भी जब्त किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।